और ये एक भैया है और अभी आने वाले श्यामसी पंडित बोल तो होंगे। तो गाइस आज मैं आई हूँ स्काई जब पर, वो भी प्रमोशन में मतलब फ्री में खत्म कराने वाला है। ये क्या बनाई हो बोलो, तो बीच में कट क्यों कर दी? चलो स्टार्ट। तो क्या हुआ मतलब? फिर से बोलो। हाँ फिर से बोलो। अरे यार आप हमने ब्लॉग बंद कर दीजिए। चलो फिर बोलो। हे गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे। और मैं आई हूँ स्काई जंप, स्काई जंपर, स्काई जंपर। तो हम लोग यहाँ पे बहुत मस्ती करने वाले हैं, तो चलो चलते अंदर, देखते क्या क्या मस्ती करने। चलो चलते हैं अंदर। आइए अंदर, ये इधर है अंदर। इधर 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 दिखाओ। और ये मेरी, ये मेरी कार है। अरे हटो, इनकी ऑटो तुम्हारी ऑटो है। ये लाइन से जितने भी वाइट वाइट देख रहे सब ये मेरे ऑटो से आई है, मैं कार से आई हूँ। ये अपना बता रही है। कौन सा कार है? कौन सा कार है गाइस? इतना भी नहीं याद रहता क्योंकि हम लोग बस बहुत कार है, बहुत कार है, नहीं याद रहता। और ये है फोटोग्राफर मेरे, आपको तो पता ही है कौन सा कार है, नहीं पता। अरे क्योंकि हम लोग के पास बहुत कार है ना, तो हम लोग थोड़े से अमीर ज्यादा है, तो हम लोग देखते हैं। चलो अंदर देखते हैं, देखते हैं क्या क्या है। कर चुकी थी एंट्री और अपने हाथों में बैंड लगवाया और ये सॉक्स मिला था, जो सॉक्स पहन के ही अंदर अलाउ था। फिर मैंने जल्दी जल्दी से सॉक्स पहन लिया, उसके बाद से मैंने जूता अपने कवर्ड जो मिला था उसमें रख दिया और उसके बाद से मैं ऊपर गई थोड़ी सी एक्सप्लोर करने। उसके बाद से जो मैं एंटर की वो गेम में सीधे स्टार्ट हो गई और ये गेम बहुत ही टफ था। लेकिन ये जब कूदने वाला आ रहा था ना, मैं ऐसे पीछे भाग जा रही थी, बहुत ही टफ था और मेरे को एक बार चोट भी लग गई। आपने कभी ट्राई किया है कि नहीं क्या, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसमें तो मैं तो हार ही गई थी, एक बार कूदने की कोशिश की थी और मैं गिर गई। और लेकिन मज़ा बहुत आया था गाइस। आपने कभी ये गेम ट्राई किया है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद से हम और निजी ने फिर इतना मज़ा आ रहा था ना, ये इतना ज़्यादा उछाल रहा था कि यार ऐसा लग रहा था कि हवा में है, जैसे पापा की परियां हवा में नहीं होती वैसी ही। फिर यहाँ पे ये सब ज़्यादा फॉर्म था, इस पर मैं गिर गई थी बहुत ज़्यादा ऊपर। लेकिन यार चोट कहाँ लगती है आप लोगों को नहीं पता है, बहुत ही मज़ा आ रहा था। फिर मैं इसके ऊपर चढ़ने का टास्क कर रही थी, मैं और अंशिका, मैं उसके ऊपर जाके ही गिर गई। और ऊपर गिरने के बाद मुझे लग रहा था कि मैं हवा में हूँ और ऊपर से इतना चोट के मुझे लग रहा था कि चोट लगेगी, बट नीचे गिरने पे क्या ही मज़ा आया बता ही नहीं सकते। उसके बाद से ये चढ़ने की बहुत ट्राई कर रही थी बस, बट मैं इसको गिरा रही थी बार बार, लेकिन ये फिर भी ट्राई करती गई। और उसके बाद से ट्राई करने के बाद जो हुआ, फाइनली ये भी नहीं कर पाई, फाइनली ये भी ऐसे उसको मतलब परेशान करती गिर जाती है। फिर यहाँ पे हम लोग ये बैठ बैठ के इसको मज़ा कटा रहे थे नेहा को, क्योंकि यार ये पता है ये जब कूद रही थी ना, आगे हम लोग के आगे ही कूद जा रही थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम लोग के ऊपर ही कूद जाएगी, इसलिए जब कूद रही थी तो हम लोग साइड हो जा रहे थे। और सबसे ऊपर कौन जंप मार रहा है ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसमें जो है ना, ये जो वायर का होता है, और उसके बाद से हम लोग गए बच्चों वाले में, इसके ऊपर मैं चढ़ रही थी ना, तो उसके बाद से पता चला कि नीचे स्लिप करना है तो मुझे चोट लग जाएगी, उसके बाद से मैं गई नहीं, क्योंकि ये बच्चों वाला था। और बच्चों यहाँ पे सेल्फी पॉइंट था जहाँ पे सेल्फी लेना था, यहाँ पे दिखाना था कि यहाँ पे 10% डिस्काउंट हो रहा था, तो हम लोग इसके अंदर सेल्फी ले रहे थे। उसके बाद से यार ये बच्चों वाला था, नेहा खेल रही थी और ये देखो यहाँ पे स्लिप हो गया था मेरा। उसके बाद से हम लोग गए गन वाले में, जो कि रेसिंग था, और ऐसा लग रहा था ना कि यार हम लोग फौज में आ गए हैं, फौजी ऐसे गेम लेके करना था। और इसमें जो विनर बना था ना, वो तो मैं ही बनी थी, सच बताऊं गाइस, आप लोग से तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं तो इस गेम में खेलने में बहुत ही एक्सपर्ट हूँ। और जो मज़ा आया था ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, सबसे ज़्यादा मज़ा इसी में आया था। उसके बाद से मैंने किया स्केटर रेस में, तो बहुत ही मज़ा आया था इसमें, मैं दोबारा ट्राई करना चाह रही थी बट नहीं कर पाई। उसके बाद से पूरा गेम खेलने के बाद हम लोग आ गए यहाँ पे हॉल एरिया में, जहाँ पे बैठ के खाना वाना खा के आए हैं, लेकिन अभी सब के सब थके हुए हैं। तो फिर हम लोग थोड़ा सा आराम किए, उसके बाद से आ गया हम लोग का ऑर्डर। फिर हम लोग बैठ के उस ऑर्डर को फिनिश किए,
फिर उसके बाद से थोड़ा सा बातचीत तो होता है यार, चार लोग ग्रुप में बैठते हैं तो बातचीत तो होता ही है। ये देखो कितने शर्मा रही हैं और ये कह रही है कि एक हम ही ब्लॉगर हैं हमारे पास। तो देखो गाइस, हम सब लोग बहुत ज़्यादा खेल चुके हैं और हम लोग गन शॉट भी खेल करके आए। बहुत ज़्यादा मज़ा आया।